संभल में कैला देवी थाना क्षेत्र के कैला देवी मंदिर में कुछ असामाजिक तत्वों ने मूर्तियों के आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया। मंदिर की खिड़की से घुसे चोर मूर्ति के आभूषण चोरी कर मौके से फरार हो गए। मंदिर के महंत ऋषि राजगिरी महाराज ने पुलिस को दी तहरीर में बताया, बुधवार रात खिड़की से 3 चोर मंदिर में प्रवेश कर गए और मंदिर में रखी 2 मूर्तियों से करीब 2 लाख रुपए के आभूषण लेकर फरार हो गए। मंदिर में आहट होने के बाद जब उनकी आंख खुली तो चोरों को भागते हुए देखा। वहीं उन्होंने आशंका जताते हुए कहा, कुछ समय पहले मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जा करने का उन्होंने विरोध किया था, संभव है उन्हीं लोगों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया हो। फिलहाल महंत की शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बुधवार की रात को 11 बजे के बाद 4-6 लोग एकत्र होकर आए टूटी हुई खिड़की से और आए और आभूषण लेकर आहट होने पर जगे, उनको देखा तो वो जब तक भाग चुके थे। महाराज जी, आभूषण कितनी कीमत के होंगे जो चोरी हुए? आभूषण लगभग टोटल सब 2 लाख के होंगे। पुलिस को तहरीर दिया आपने? हाँ, पुलिस को तहरीर दे दी है। क्या क्या सामान है आभूषणों में? छत्र है जी, माता जी का हार है और मुकुट है। दो मंदिरों से हुआ? दोनों मंदिर, माता जी के मंदिर से और गुरु महाराज के मंदिर से। आपको इसकी जानकारी कब हुई? जब वो आहट करके जा रहे थे, आहट हुई, जब वो भागे, जब आहट हुई तो हमारी आँख खुली तो हमने देखा तो जब तक वो खिड़की कूद चुके थे। कितने लोग थे? हमने तो पीछे से 2-3 लोग ही नजर पड़े, बाकी कितने थे पता नहीं। कितने लोगों के विरुद्ध कार्रवाई कराई गई है? मैंने तो जिसको देखा उसको ही कह दिया। वो बनाने आ गए थे, कब्जा करने आ गए थे। उस समय पुलिस को तहरीर दी गई थी? उस समय पुलिस को तहरीर दी गई थी इन्हीं लोगों के विरुद्ध, अज्ञात लोगों के खिलाफ। उनको मैं पहचानता नहीं था। कौन लोग थे? अच्छा, पहचाना नहीं उस समय मैंने। जब वो अज्ञात लोग थे? वो अज्ञात लोग थे। तो क्या अनुमान लगाया जा रहा है, क्या वही उन्हीं लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया होगा? लौट फिर के सब वही लोग हैं